Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel for more updates. We have a new field and that is called freelancing. Free का मतलब है आजाद. Lancing का मतलब है नीजा. Lance का मतलब नीजा है, नीजा, arrow, तीर. कि आप जो है वो ऐसे तीर पहेंगे, हवा में तीर पहेंगे. Free lancing का मतलब क्या है? तीरंदाजी. एक तो आप टारगेट पे तीर पहेंगते हैं. आपका जॉब है, सुबह 8 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं. आपके एक ऑफिस है, जगह है, उधर आप बैठे हैं. आपके नीचे लोग हैं, आपके ऊपर लोग हैं, जिसको हायरार्की कहते हैं, हायरार्की. लेकिन फ्री लांसिंग में आप शॉर्ट्स में पहने हैं, टी शर्ट है आपका, आप नंगे बैठे हैं, आप वॉशरूम में बैठे हैं, लेकिन पैसे कमा रहे हैं. सो दैट इज फ्री लांसिंग. अब मैं जो आप लोगों को ट्रेन करूंगा, दैट इज फॉर ब्लॉगिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग. ये दो फ्री लांसिंग है. फ्री लांसिंग बहुत से काम हो सकते हैं. आप फूड डिलीवरी करते हैं, आप जो है वो किसी की गाड़ी ठीक करते हैं, आप मिस्त्री बन जाते हैं ऑनलाइन. आपका कोई खास वर्कशॉप नहीं है. एक बंदा आपको फोन करता है, जी मेरी गाड़ी खराब है, आप जरा आ जाइए मेरी गाड़ी ठीक करें. ओके, मैं आता हूँ. ठीक है. या जो है कोई आपको कहता है कि जी मुझे अमेरिका का टिकट चाहिए, हाँ जी मैं आपका टिकटिंग करता हूँ. कोई कहता है जी यार मुझे फलान सब्जेक्ट नहीं आता, मुझे जरा ये समझाए, हाँ जी मैं आपको समझाता हूँ. तो वो फ्री लांसिंग है, उसका कोई खास वो नहीं है लिमिट. तो लेकिन एक है ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग ये है कि आप एक ब्लॉग बनाते हैं, एक टॉपिक पे आप एकेडेमिक राइटिंग करते हैं. मसलन व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस पे आप एक ब्लॉग लिखते हैं. अब जितने भी स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, ठीक है, CSS के स्टूडेंट्स है, PMS के स्टूडेंट्स है, वो या तो आपका ब्लॉग आपसे खरीदेंगे कि यार ये ब्लॉग मुझे ओपन करो, मैं आपको पैसे दूंगा. या जो है गूगल पे जितनी व्यूज ज्यादा होंगे, या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे उसके. तो ये ब्लॉगिंग हो गया. कॉन्टेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग में ये है कि कॉन्टेंट राइटिंग थोड़ा सा वास्ट फील्ड है. आप केमिस्ट्री पे भी लिखते हैं, बायोलॉजी पे लिखते हैं, फिजिक्स पे लिखते हैं, और मतलब कंटेंट राइटिंग कि उस राइटिंग के अंदर कोई कंटेंट है, कोई काम की चीज है, कोई डेटा है, स्टेटिस्टिक्स है, रेफरेंसेस है, लोग उसको पढ़ेंगे. आप हर चीज को तो नहीं पढ़ते, आप हर चीज को नहीं सुनते, आप उस चीज को सुनते जिसमें कोई कंटेंट हो. आप खाली डब्बा तो नहीं लेते ना बाजार में. अगर आपने जूती लेनी है तो आप खाली डब्बा जूतों का नहीं लेते, कंटेंट उसके अंदर है क्या, वो जूती कैसी है, आपको पसंद है, आपके काम की है, आपकी साइज की है, तो फिर आप उस डब्बे को लेते हो. वरना इसमें कंटेंट नहीं है और आपकी मर्जी की कंटेंट नहीं है. मतलब आप CSS के स्टूडेंट है तो आपको CSS के कंटेंट्स चाहिए, आपको उसके कंटेंट नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग के कंटेंट नहीं चाहिए. एक इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग के कंटेंट चाहिए. तो आप ये देखें कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आप किस चीज पे लिख सकते हैं, आप किस चीज पे एक खूबसूरत सा ब्लॉग बना सकते हैं, लोग उसको पढ़ेंगे, लोग उसको व्यू करेंगे, गूगल आपको पैसे देगा, आपको फेसबुक पैसे देगा, आपको यूट्यूब जो है वो पैसे देगा. लेकिन इसमें अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो पैसे जो है वो आसमान से नहीं गिरेंगे. आपने आपको एनेबल करना है. ठीक है. एक शहजादा है, बादशाह का बेटा है, उसको भी कुछ कपड़े शपड़े पहनने होते हैं, कुछ हिलजुल करना पड़ता है, फिर वो लोग उसको शहजादा कहते हैं. तो कुछ हिलचल आप लोगों ने मनानी करनी होगी, पहले आपने ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर इसके मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, फीवर है, और है, और है, उस पर जाके आप अपने अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट पे जो है फिर आपको पैसे आते हैं, आपको ऑर्डर्स आते हैं. ठीक है. एक बंदा कहते हैं जी मैंने तो अकाउंट बनाया है लेकिन मेरा महीना हो गया कोई मुझे ऑर्डर ही नहीं आया. पुराना मेरा एक स्टूडेंट था, जब मैंने एक टेक्निकल बंदे को कहा कि इसका जो कंटेंट है या जो ब्लॉग है इसको जरा चेक करो प्लेजरिज्म के लिए. प्लेजरिज्म का मतलब ये कि आप नकल करते हैं. जब उसने चेक किया, उसका 99% ये कॉपी पेस्ट है. इसने कंटेंट जो बनाया है, ब्लॉग जो बनाया है,
वो उसने इधर से चोरी किया है, उधर से चोरी किया है और एक चीज बनाई है। तो अंग्रेज लोग पागल नहीं है कि वो चीज पहले से बनी है, गूगल में मौजूद है और आपको भी पैसे देंगे कि जी पैसे ले लो और हमें जो है वो पुरानी चीज जो ऑलरेडी है। क्यों एक बंदा आपको यूज चीज के पैसे देगा? आप कोई नई चीज लिखे, कोई नया आइडिया दे दे, कोई नई टॉपिक पे एक नए अंदाज से लिखे, फिर आपका ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग जो है वो चलेगा। और आप मजीद इसमें गूगल करें, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग। आप कोई ब्लॉग किसी का पढ़े, कोई कंटेंट राइटिंग देखे कि भाई उसका स्पेसिमेन क्या है, सब कुछ अवेलेबल है। एक चीज अवेलेबल नहीं है और उसको कहते हैं न्यू, नई चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नई चीज आपने क्रिएट करनी है। अगर आप पहले बंदे हैं, यू आर पायनियर, उसको पायनियर कहते हैं, PIONEER, पायनियर, जो पहले दफे काम करे। आजकल पैसा मिलता है ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। जो चीज पहले से मौजूद है तो लोग आपको उस पर पैसे क्यों देंगे? तो आप में एक स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि आप नई चीज को क्रिएट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।